एक स्नेचर है ये सारे फोन छीनने वाले, एक होते हैं फोन छीनने वाले, ये होता है सामान छीनने वाले, एक स्नेचर है यहाँ पे। क्या हाल है आपका? सांस फूल चुकी है, हालत गंभीर हो चुकी है, अब हिम्मत नहीं बची चढ़ने की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार कैसे हो आप सब? यार उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। यार तुम्हारा भाई आज जाने वाला है हरिद्वार, और आपको एक बात बता दूं यार, मैं कभी इतना बड़ा हो गया, 22 साल की उम्र हो गई, पर मैंने आज तक कभी हरिद्वार नहीं देखा। तो आज सौभाग्य है मेरा कि मैं बाबा की नगरी जाऊँगा, और फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा यार कैसा मतलब क्या चीज़ है। मैं कभी नहाया भी नहीं हूँ वहाँ पे, मान लो कभी गया ही नहीं हूँ, तो नहाने की वाली बात छोड़ो, गंगा नदी वगैरह कुछ भी नहीं नहाया, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ पे जाने का, और मज़ा आएगा काफ़ी। यार बाबा ने बुलाया तो एडवेंचर करेंगे ना कुछ। तो वीडियो के साथ आप बने रहे, और जो बंदे चैनल पर नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। इसमें हमने ऑनलाइन बुक करी है, हमारी 8:30 के करीब बस है, तो आपको बस में मिलते हैं सीधा। तो आखिर हमें बस मिल गई, और हमें आप देख सकते हैं कितने मतलब काफ़ी कुछ लोग आए पड़े हैं, कुछ लोग यहाँ, और हमने ये ऑनलाइन बुक करी थी 600 रुपये में। अच्छा खासा सीट है, मज़ेदार है, मतलब काफ़ी फुल एसी है, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारे भाई को मिला है विंडो सीट। तो फाइनली हम अपने बस में आ चुके हैं, एसी बस है पूरी और सीट मिल गई है। मेरा भाई है, उसके पीछे वो मेरा बड़ा भाई है, और हम फाइनली बैठ चुके हैं। आधे घंटे करीब बाद मतलब बस चालू हो जाएगी, और इसके बाद जहाँ रुकेगी आपको वहाँ का व्यू दिखा देंगे हम। इसके बाद सीधा हम सीधा हरिद्वार पहुँच जाएंगे, तो सुबह मिलते हैं 5:30 बजे करीब। तो यार हम पहुँच चुके हैं सुबह, अब सुबह के बज रहे होंगे 6, और हम ये आपको दिखा देते हैं, ऋषि के साथ चुके हैं। सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और मुझे तो मतलब मनाली जैसा मज़ा आ रहा है। कुछ 4-6-7 महीने पहले मैं मनाली गया था, तो वैसा ही फील था मतलब, पर वहाँ के पहाड़ काफ़ी बड़े बड़े थे, ये थोड़ा छोटा है वहाँ से, मुझे पर वैसा ही फील आ रहा है। और अब देखते हैं क्या कहाँ जाना है, ये भाई को पता होगा, ये मेरे साथ का है, ये भी ये देखो पूरा हाल हो रहा है इसका भी। 4 बजे का बोल के सुबह 6 बजे छोड़ा भाई, और बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई। और अभी आगे का पता देखते हैं, अभी मुझे पता नहीं है, कुछ भाई को पता है, तो चलते हैं अंदर। तो मैं और मेरा भाई लोग आ गए ऋषिकेश घाट पे, रंजीत पकड़ के हिंदी फटी पड़ी है, थोड़ी रही है रंजीत, और पानी इतना ठंडा है, बोल पूरी दुनिया बनानी है। ओ भाई कितना ठंडा पानी है, मतलब किनारे किनारे पर रहो, कोई बह जाएगा ना तो चला ही जाएगा, फिर ना मिला वो, फिर वो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा वो। तो फाइनली हम नहा लिए यार, एकदम फ्रेश फील हो रहा है पूरा, और यार इतनी मतलब इतना ठंडा पानी था, उसके बाद जो हवा चल रही है, मतलब मन कर रहा है यार पूरे शाम तक मैं यहीं रहूं, इतना मज़ा आ रहा है। और ये मेरे मेम्बर है, ये मेरा बड़ा भाई है, बात अभी बात कर रहा घर से, और अब चलते हैं। अब कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे नीलकंठ। तो हम निकल रहे हैं नीलकंठ के लिए, तुम्हारे भाई ने लिया एक चश्मा, कम रेट पर बढ़िया मिल गया भाई, 250-250 से कम नहीं है, तुम्हारे भाई ने 100 में टपा दिया इसे बना के, और हम जा रहे हैं नीलकंठ के लिए। नीलकंठ मिलते हैं, और जो देखो भाई, मजा आ रहा भाई, और ये हिल भी रहा, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा साथ में। तो हम अब नीलकंठ की चढ़ाई चल रहे हैं ऊपर, सांस फूल के चलते चलते, पीछे भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, कभी कभी कोई लोग मिल रहे हैं, कभी कभी नहीं मिल रहे। 9 बजे से चलना चालू कर रहे हैं, देखते हैं कब पहुंचते हैं वहाँ पे। आगे भी काफ़ी सारे लोग हैं, चलते हैं, पसीना आ गया। जय बाबा की। मैं एक बिस्कुट का पैकेट लाया था ताकि सबको दे दूंगा, एक बंदर आया छीन के ले गया, देखो मुझे लग रहा है ये फ़ोन भी ले जाएगा,
अपनी बंदी से बात करेगा ले जाके, इन्हें तो देना बेकार है, झपट्टा मार के ले रहा बिस्कुट। मैं सोच रहा दो 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 चार चार बैग में देना पड़ा है काम यहाँ, और एक आया पता भी नहीं लगने दिया, दूसरा हाथ से गायब। एक स्नेचर है ये सारे फोन छीनने वाले, एक होते हैं फोन छीनने वाले, ये होता है सामान छीनने वाले, एक स्नेचर है यहाँ पे। और ये हमने शॉर्टकट मारा है बम बोले, देख रहो नीचे से शॉर्टकट मारा हमने। ये हमारे दो चार भाई साथ में एकदम खड़ी खड़ी है, वीडियो बना रहे हैं कि भाई हम बे ब्रो हम बे एकदम खड़ी है, आराम कर लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। सारे भाई चल रहे हैं भाई, हाँ यार ये पीछे से भाई आने वाले हैं मेरे, धीरे धीरे आगे चलते हैं थोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे अमेजन के जंगल में आ गया हूँ मैं, जंगल। ओ भाई वीडियो बनाया करो ऊपर छोटा सा, पहुंचने वाले शॉर्टकट रास्ता हो गया। हमारा भाई आ गए जब बोले बोले चैनल का नाम तो बता दे। आप लोग देख सकते हो कितने ऊपर आ गए, वो सारे दूर दूर तक जितने भी सारे घर है, और हम बहुत ऊपर तक आ गए। और अभी तो जितने भी हमारे भाई चाह रहे हैं अभी और ऊपर जाना है, जो मेरे साथ दो आ रहे थे नीचे रह गए, उनका वेट करते हैं। तेरी शॉर्टकट मारने के बाद भी अभी बहुत ऊपर जाना है, देख सकते हो भाई कितना पसीना आ गया। बहुत सारे बंदे सुबह से आ चुके हैं नीचे, हम जा रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। सांस फूल गई, आशीर्वाद भी दे ही। यार कई क्या सुझे, हाँ सुन आशीर्वाद भी दे दे ही। हाँ नीचे टाइट कर दे, वैसे हाँ टेक देगा। दोस्तों यार मतलब 3 घंटे बाद हम नीलकंठ के बाद नीलकंठ ये भाई तो पहले ही हार गए, लेटे आ रहे थे, और फाइनली हम नीलकंठ मंदिर के मार्ग में आ चुके हैं। अब वो सामने जो मंदिर है वो पास में, पास लग रहा है, अब दूर है पता नहीं कितना है, पर अब पहुंचने वाले हैं। देखो अब कितनी देर में पहुंचते हैं, और ये हमारे भाई है, देखो हालत देखो, ये 2 बार आ चुके हैं नीलकंठ में। मोच आ गया तो फालतू बोल रहा, तो इनकम भी तो ऐसी है ही। 2 बार आ चुके हैं, मुझसे कह रहे थे कि तेरी हालत बेकार हो जाएगी, मतलब आ गया जैसे किसे कह रहा जो मनाली घूम का आगा। सबसे आगे मैं था, मैं करीब एक घंटे आगे जाके मैं आराम से लेटा हुआ था, ये साथ का बंदा और था वो आए बाद में कि सोया क्या कर रहा, तब जाके आया। ये देखो ये हालत, ए जे अंदर आ चुके हैं यार, और देख सकते हैं यार अंदर जा नहीं पाएंगे, बाबा के फोटो यहाँ पे लगी पड़ी है।
अंदर। और आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ हो रही है यहाँ पे। ये बाबा की शिवलिंग है। तो फाइनली यार मतलब सुबह 9 बजे से चले चले आप 2 बज गए कंप्लीट हुआ। आप जाके बाबा का दर्शन वर्शन सब कर लिए, जय बोले। और इसके बाद हम जा रहे हैं हल्की पौड़ी, अब आपसे वहीं बाद मुलाकात करते हैं। और मेरा भाई यहाँ पे दुबत्ते वगैरह जला रहे हैं तो मैं इन्हें जलाने दिया, मैंने कहा तुम जाओ मेरा जला देना। इसके बाद आपको हल्की पौड़ी पे मिलते हैं, आप सीधा बहुत थक गए, अब हल्की पौड़ी पे मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम आ चुके हैं हल्की पौड़ी पे और देखो आप काफ़ी सारी भीड़ है। आराम आराम से चलते हैं, कहीं फ़ोन में टपा जाए इसके अंदर। चलो थोड़ा थोड़ा भाई आगे हो जाना। एक बार पानी की लहर, मतलब तेज लहर है इसकी, डुबकी लगा लेते हैं फिर चलते हैं। बहुत ठंडा पानी है इसका। फाइनली यार हम मतलब नहा लिए और पूरा फ्रेश हो गए और इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना और यार जितने भी तुम्हारे फ्रेंड है सबको शेयर कर देना और फैला दो यार वीडियो को। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।